हेलो दोस्तों, मैं धर्मवीर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द टाइम सीरीज में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मैथ की सीरीज जिसमें हम चार चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, आज होगा हमारा चैप्टर पाँच, और चैप्टर पाँच में दोस्तों चैप्टर पाँच में होगा हमारा सरलीकरण। इससे पहले हम चार चैप्टर कवर करा चुके हैं, और अगर आप हमारे चार चैप्टर को वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। और दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो आज आप तक आसानी से पहुँच सके। और दोस्तों, आगामी एग्जाम को देखते हुए हम वीडियो को बना रहे हैं। दोस्तों, जैसे ये एग्जाम पैटर्न पर आधारित होगा, जैसे UPSI हो गया, ग्रुप डी, NTPC सेकंड स्टेज, और हमारे आने वाला लेखपाल एग्ज़ाम। इस पर जो एग्ज़ाम आने वाला क्वेश्चन GS, रीजनिंग, मैथ, बायो, जितने भी वहाँ कंटेंट होगा, टोटल कंटेंट आपको कवर कराया जा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू होने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं सिंप्लीफिकेशन। दोस्तों, सिंपल चैप्टर तो बहुत सिंपल है, सिंप्लीफिकेशन लोग इसे छोड़ देते हैं। जब इसका अधिकतर एग्जाम क्वेश्चन आता है तो लोगों को छोड़ना पड़ता है। दोस्तों, अधिकतर एग्जाम में जो 50% बच्चे इसको छोड़ कर आते हैं, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि जो सिंप्लीफिकेशन होता है, क्या सिंपल है भाई, छोड़ दो, उसे करते नहीं है। और जो एग्जाम में सवाल आता है उसको एग्जाम में छोड़ ही जाते हैं लोग। दोस्तों, अक्सर देखा मैंने एग्जाम में। तो करना क्या है दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन ये क्या, मैथ की जड़ है। जो मैथ की हमारी कैलकुलस होती है वो सिंप्लीफिकेशन पे डिपेंड होती है। अगर सिंप्लीफिकेशन का आपको बोर्ड मार्क्स का आप नियम फॉलो नहीं करते हो तो आपका जो आंसर आएगा, अगर आपका जो कंसेप्ट सही भी है तो आपका आंसर गलत आएगा। दोस्तों, चलिए चलते हैं, क्या है बोर्ड मार्क्स। बोर्ड मार्क्स दोस्तों, बोर्ड मार्क्स इसको याद रखना, बस बोर्ड मार्क्स। बी से क्या होगा हमारा ब्रेकिट, इसे ब्रेकिट। और ओ से क्या होगा हमारा ऑफ, हिंदी में क्या बोलोगे इसे, का। और हिंदी में देखेंगे दोस्तों इसको क्या बोलोगे, कोष्टक, कोष्टक। और इसका क्या हो गया हमारा, और डी से क्या होगा हमारा, डिवीजन, डिवीजन। डिवीजन क्या होगा हमारा, भाग हो गया। और एम से क्या होगा हमारा, मल्टीप्लिकेशन। दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। और ऐसे क्या होगा हमारा, एडिशन। और ऐसे क्या होगा हमारा, सब्ट्रैक्शन, तो अंतर, या फिर क्या बोलते हैं, या घटा। दोस्तों, सब्ट्रैक्शन मतलब घटा। अब दोस्तों, बोर्ड मास मतलब बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, और डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, और ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। हिंदी में देख लेते हैं दोस्तों एक बार, कोष्टक, ऑफ, भाग, गुणा, योग और माइनस। अब करना क्या होगा, अब कोष्टक देख लेते हैं। कोष्टक हमारे ये होते हैं, वो चार प्रकार होते हैं। कौन से, पहला रेखा कोष्टक, और होगा हमारा फिर छोटा कोष्टक, उसके बाद होगा हमारा मझोला, या दोस्तों इसे मझला ही बोल देते हैं, मझोला या मझला कोष्टक। आप जो बोलते हो वो आपके लिए बेटर होगा। और इसका क्या दूसरा होगा हमारा, बड़ा कोष्टक, बड़ा कोष्टक। ये इस टाइप का होता है, और ये इस टाइप का होता है, करली ब्रैकेट बोलते हैं इसमें से। अब ये हमारे रेखा, पहले जब कभी एग्जाम में सवाल आएगा, क्वेश्चन करना क्या हमें, पहले रेखा कोष्ठक छोड़ करेंगे, उसके बाद छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, उसके बाद क्या करेंगे, ऑफ करेंगे, फिर भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर योग करेंगे, फिर अंतर। ये नियम पूरे मैथ में लागू होता है। अगर ये नियम हमें अप्लाई करना नहीं आता है तो अक्सर हम क्वेश्चनों का आंसर गलत कर देते हैं। क्वेश्चन में आते हुए भी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है, हम सोचते हैं क्वेश्चन का आंसर सही आया, पर क्या होता है, वो आंसर हमारा गलत होता है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं, बोर्ड मार्क्स हमने समझ लिया है, आप चलते हैं इसके क्वेश्चनों पर। इसके बेसिक क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि अगर आपको मैं बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं इसके तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। दोस्तों, अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो इसके बेसिक क्वेश्चन को आसानी से कर लेते हैं। क्या इसमें बोर्ड मार्क्स ये नियम अप्लाई होगा, ब्रेकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन,
अगर आप ये जानते हो तो आप आसानी से कर सकते हो। तो उसको मैं बेसिक आपको नहीं बताऊंगा, तो चलता हूँ। जो अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो आने वाले आगामी एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको क्वेश्चन, वही आपको यहाँ कवर कराया जाएगा। तो आइए चलते हैं दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक पर। आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन पर, लेते हैं पहले सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन, उसके बाद देखते हैं ट्रिक की ओर चलेंगे। पहले बेसिक क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, करना क्या हमें ऊपर को ऊपर और नीचे नीचे सोल्व कर देना है। अब इसमें करना है आपको 5 × 10, ये नहीं करना। अभी हमने आपको बताया बोर्ड मास, उसका नियम को आपको अप्लाई करना है। पहले करना है आपको भाग, अब लिख लीजिए 27 × 4, या फिर आप ऐसा कर लीजिए 27 × 4 कितना हो गया 108 और 13 × 6 = 78 बटे, अब हम भाग के दिए बच्चा 25 × 5 × 2, 108 में से 78 कितना बचेगा हमारा 0 और 3 30, और 5 × 2 = 10, 0 0 कैंसिल, कितना आएगा दोस्तों 3। ये बेसिक क्वेश्चन था, जब आप करोगे तो आप यहीं पे सॉल्व कर दो, उसको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। कितना इसका आंसर होगा राइट, इसका राइट आंसर होगा 3। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो नेक्स्ट पर, बेसिक क्वेश्चन ये भी करेंगे सर, जल्दी फास्ट सॉल्व करेंगे। करना क्या होगा 1 − 2, पहले हम सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 2 में से 1 गया तो माइनस के 1, क्योंकि माइनस ज़्यादा है, और इनवर्स 1 ऊपर के माइनस 1 माइनस, अब कितना होगा हमारा 2 × 1 = 2 और 2 × 1 = 3, वो सॉरी 2 × 1 = 2 माइनस का, और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 2, और अब दोस्तों करना कहें एक मिनट रुकूंगा यहाँ पे, अब हमें ऐसा नहीं करना ठीक है। पहले इस इन्वर्स को खत्म करेंगे, अभी हम इस करेंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा, हालांकि ऑप्शन दे रखा होगा पर वो आंसर गलत होगा। तो 1 2, अब इसको क्या करें इसको नीचे ले आएंगे बटे में इन्वर्स में, कितना होगा माइनस का 1 बटे इन्वर्स ठीक है। अब दोस्तों इस माइनस से क्या होगा, ये वाला इन्वर्स खत्म हो गया, ये वाला माइनस खत्म हो गया हमारा, और यहाँ गुणा ला दो इंटू और माइनस 1, अब कितना आ गया हमारे यहाँ पर माइनस 1 और 2 × 1 = 2, और ये माइनस माइनस क्या होगा हमारा प्लस और इन्वर्स 1, अब कितना आएगा 3, कितना आएगा 3 इन्वर्स 1। अब इस माइनस 1 को खत्म करना है तो क्या होगा हमारा 1/3। दोस्तों ये इसका राइट आंसर होगा, अगर हम डायरेक्ट से कर जोड़ रहे हैं तो हमारा आंसर कैसा होगा, गलत आएगा, माइनस में आएगा, अब वो की आंसर हमारा मान गलत होगा, ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बहुत ही सिंपल है, पर क्या है इसमें अक्सर लोग एक गलती कर देते हैं, वो गलती क्या होगी आइए उस पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन सिंपल है और ज़्यादा टफ नहीं है, 18 − 5 और 6 मान लो 6 + 2 और 7। अब आप यहाँ पर ये पॉइंट एक याद रखना, ये 8 है हमारा किसका है माइनस का प्लस का, पर दिखने में तो लग रहा है किसका माइनस का, पर है किसका प्लस का, क्योंकि उसके ऊपर रेखा कोष्ठक अर्थात लाइन ब्रैकेट लगा हुआ है। यहाँ पर आपको लाइन ब्रैकेट लगी जाए, उसके नीचे जितने नंबर होंगे वो सेम चिन्ह, अगर यहाँ माइनस ये हमारा ये माइनस का ही तो माइनस का ही है, अगर यहाँ पर ये माइनस का हो या प्लस को हो तो किसको लेना है, किसका लेना है आपको, आपको हमेशा प्लस में लेना है। तो 8 किसमें हमारा प्लस का और 5 माइनस का, तो 8 में से 5 को हमें माइनस करना है, तो कितना बचेगा 3। ये हमारा अब लाइन ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है, अब चलते हैं थोड़ा आगे, 18 + 5 + 6 + 7 में से हम तीनों घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 और 7 में से 3 गया 4। दोस्तों समझ आ रहे हैं, इसलिए ये मैंने ये पॉइंट सुना, इसलिए इस सवाल को डाला इसे मैंने वीडियो में, नहीं इसे डालने का कोई भी पर्पज़ नहीं है। 5 और मतलब एक 6 × 4 = 8 प्लस का 18 − 5 6 × 8 = 14 12 × 14 आ जाएगा हमारा 18 − 14 में सा, अब ये प्लस का ये माइनस का घटा दीजिए कितना बचा हमारा 9 और ये किसका माइनस का, माइनस माइनस प्लस, अब जोड़ दो कितना हो गया हमारा 27
दोस्तों इसका राइट आंसर कितना होगा 27। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ये वीडियो पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 पर। अभी हम अच्छे से क्वेश्चन को हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत तो सिंपल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को करना क्या है। हमें पहले सबसे पहले काव को हम सोल्व करेंगे। पहले तीन एकम तीन, तीनों तो पाँच, पाँच बटे तीन। अब का तीन चौक बारह, बारह और तीन पंद्रह बटे चार भाग, चार एकम चार पाँच बटे चार प्लस। पहले आप इसको सही वालों को भिन्न में लिख लीजिए, उसके बाद हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को हम मुश्किल से 3 या 4 सेकंड में बीट कर सकते हैं ट्रिक से। तो दोस्तों पहले हम ट्रिक को समझेंगे, ट्रिक है क्या हमारी। अब करना क्या है, पहले सबसे पहले का हम सबसे पहले का को सोल्व करते हैं। 15 5 कितना हुआ हमारा 75 और 3 6 12 12 और भाग 15/4 प्लस 99 48/49 245/4। अब क्या हमारा, अब इसको हम उल्टा कर लेंगे। 12 × 4/5 और प्लस कितना होगा 99 48/49 और गुणा 245। काट लीजिएगा 3 6 12 और 25 3 75 और 5 25 मतलब 5 आ गया। 5 प्लस 99 48/49 गुणा 245। अब दोस्तों अब यहाँ को हम इसे अब बेसिक से सोल्व नहीं करेंगे, अब इसमें ट्रिक को अप्लाई करेंगे। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक कब अप्लाई होगी, यहाँ पर 9 9 होनी चाहिए। अधिकतर ऐसे क्वेश्चनों में यहाँ पर 9 9 होगा और इनका अंश व हर का अंतर 1 होना चाहिए। अगर हम ये दो कंडीशन होगी, अगर तीसरी कंडीशन इससे अगर इसको काटेंगे तो ये वाला आना चाहिए। ये मेन पॉइंट है, इससे अगर हम इसको विभाजित करें तो ये वाला आना चाहिए, काम करेगी। करना क्या है, अंतर 1 होना चाहिए और इसको जब हम 49 से काटेंगे 245 के बाद जाएगा 5 हुआ, तो 5 ही हमारा मौजूद था। अब ट्रिक अप्लाई होगी, करना क्या है, 245 लिखेंगे दोस्तों और जितना 9 होगा उतना 0, तो कितना आएगा 24 500। इसका राइट आंसर होगा। अब एग्जाम में आपको बीट कैसे करना है, देखो उसमें टाइम टेकिंग के लिए इसने क्वेश्चन दिया है, ये ट्रिक यहाँ पर अप्लाई हुई थी इसमें। आप इस देखो इसे देख के कन्फ्यूज हो रहे होगे भाई इसे सोल्व करना है हमें। तो करना क्या है, इसको सोल्व करने के बाद ऐसा आएगा कि इससे कट जाएगा। आप देखिए अधिकतर क्वेश्चन में ऐसा देखा है कि इसको सोल्व करने के बाद ऐसा आएगा कि ये कट जाएगा इससे। नहीं तो आप अगर जल्दबाजी अगर टाइम टेक आपको टाइम है एग्जाम में तो आप क्या कर लो इसे सोल्व कर लो, मुश्किल से क्या लगेगा, मुझे 10 सेकंड लगेगा सोल्व करने में, यहीं पर ऊपर आप इसे सोल्व करते चले जाओगे ठीक है। और यहाँ 5 आएगा, जैसे ही 5 आया और तैसे ट्रिक आप अप्लाई कर दो और ये तुरंत आंसर पर टिक कर दोगे। तो कितना आएगा इसका आंसर 24 500। तो आइए चलते हैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसा। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो हमने अभी ट्रिक अप्लाई की थी वो ट्रिक सेम में आप अप्लाई करेंगे। करना क्या है, 3 कंडीशन में याद रखनी है। पहला कंडीशन इनका अंतर 1 होना चाहिए, हाँ भाई अंतर 1 है, और जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आना चाहिए। 99 से हम इसको डिवाइड करें तो 1/5 आ रहा है और यहाँ पर 9 9 होनी चाहिए, कितना भी 9, 1 9 हो 2 9 कितना भी 9 होनी चाहिए। अब ट्रिक हमारी अप्लाई, देखते ही हम इसको टिक कर देंगे। कितना लिखेंगे लास्ट वाला, आप यहाँ पर 245 होता 256 होता कुछ भी होता उसे उठा लेते। अब इसके आगे जितना 9 है उतना 0, कितना 9 है 3 9, तो 3 0 आप टिक कर दिए, ये इसका राइट आंसर हो दोस्तों। बहुत ही मुश्किल से आप इसे 30 सेकंड में बीट कर सकते दोस्तों, 30 सेकंड नहीं मुश्किल से 5 सेकंड में आप इसे आसानी से बीट करते हो। अगर आपको ये पॉइंट दो पॉइंट आपको याद करने, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसे ऐसा जो ऐसा क्वेश्चन है वो अधिकतर रेलवे ग्रुप डी NTPC और MTS ये छोटे एग्जाम और हमारे UPSI में भी आने के इसके चांस। क्वेश्चन में चाहिए हमारा नो और ये किस ये साल मोड MOD के मोड, ये दोस्तों मोड का साइन होता है। तो देखते हैं मोड होता क्या है, पहले मोड के बारे में समझ लें दोस्तों। इस अगर आप मोड को समझ गए तो क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा नहीं, जो हमारा सिंपल कैलकुलेशन है ठीक है, सिंपली कैलकुलेशन हमारा। तो पहले मोड समझते हैं, जैसे 5
अगर मोड में कोई वैल्यू हमारी, चाहे वो प्लस में चाहे माइनस में, जब वो बाहर जाएगी तो किसकी होगी? हमेशा प्लस की होगी। अगर प्लस की है तो कोई बात नहीं, प्लस की होगी। अगर माइनस की है तो जो मोड से बाहर जाएगी तो किसकी होगी? प्लस की। अब आप मोड को समझ चुके हो, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 5 में से हम प्लस के 3 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2 और 5, ये मोड नहीं, ये मोड है और ये मोड है बस। और 4 का है तो 4 × 5 = 20, कितने हो गए हमारे 20/10। अब देख लेते हैं, पर 3 × 5 = 15, माइनस का 15 और 2। अब 4 × 2 = 8 नहीं करना आपको, क्या करना है 2 से भाग करना, कितना आएगा 2। कर लो यहाँ पर बाहर निकाले तो 9 × 2 = 18, किसका? प्लस का। अब कर दो 1 × 0 = 0, माइनस का 2 और माइनस का 15 और 2 × 2 = 4, कर दो कितने बचे हमारे यहाँ पर 16 और बटे माइनस का 19, तो इसका आंसर होगा माइनस का 16/19। इसका दोस्तों राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा हमारा। बहुत ही सिंपल है, करेंगे स्पीड से थोड़ा। अब स्टार्टिंग से जो 64 है उसको हम अभी अपने घातांक करनी पड़ा होगा, ना पड़ा हो तो हमारी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हो। तो घातांक करनी में हम जो 64 है उसको कैसे लिख सकते हैं? 4 × 3, 4 × 4 × 4, 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, तो 4 × 3 लिख सकते हैं। 4 × 3 और 2/3 और गुणा माइनस 2/3 और भाग। अब किसी भी संख्या घात अगर 0 है तो उसका मान दोस्तों कितना होगा? 1 होगा, 1/2। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 × 3 कितना हो गया 2 गुणा, ये माइनस में नीचे ले आएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? प्लस में 2 × 2। और 1 से भाग करेंगे तो वही आएगा हमारा, भाग करें से गुणा करें 1 से तो संख्या वही आती हमारी, तो उसको तुम लेंगे नहीं, छोड़ देंगे सर 1/2। अब कर लो यहाँ घात 2 × 4 = 2 है और यहाँ 2 × 2 है, तो पहले खोल लेते हैं सर, वैसे भी हो जाएगा ठीक है। 4 × 4 = 16 गुणा 2 × 2 = 4, काट लो 2 × 2 = 4, 4 आ गया। अब 4 √2, अब इसको इस तरह लिख सकते हैं 4। अगर आप इस 4 को बाहर निकालो रूट से कितना आएगा 2, तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर कितना होगा 2। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा वो। क्वेश्चन नंबर 8 आपको लगेगा बेसिक, पर क्वेश्चन कैसा होगा? बहुत मज़ेदार होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा, इसे बेसिक सोल्व नहीं करेंगे, क्या करेंगे पहले थोड़ा इसका विस्तार जानेंगे, उसके बाद इसे देखते ही टिक कर देंगे। करना क्या होगा दोस्तों, एक्स एकम एक्स एक्स प्लस 1, वो तो आपको पता ही कि भिन्नों का मेल से नहीं जुड़ते हैं, पर यहाँ उतना बेसिक से हम नहीं जाएंगे। और कितना होगा गुणा एक्स प्लस 2/x + 1। अब आपको ये समझाना है ठीक, कैसा आ गया हमारा 1 + x + 2। अब यहाँ 1 एल सी ने 1 इसके नीचे हमने 1 मान लिया x प्लस 1, अब x + 1 तो x + 1 जाएगा एक बार, और इससे x + 1 से x + 1 कट जाएगा, कितना आएगा 1, कितना आ गया हमारा x + 2/x + 1। भाई यही तो लिखता हूँ ना यहाँ पर ठीक है। अब देखते हैं इसे सेम, अब देखो यहाँ से 1 बढ़ रहा है और यहाँ पर भी क्या हमारा आगे को 1 बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर x + 3 और x + 2। अब ये डॉट डॉट कहाँ से आएगा हमारा, अब आगे को नहीं करेंगे x + 4 और x + 3। अब आप काट लीजिए, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, अब क्या बचा हमारा x + 4 और x + 4/x, ये इसका दोस्तों। चलते दोस्तों राइट आंसर क्वेश्चन नंबर, ये अधिकतर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिले हैं, तो ये अधिकतर ऐसे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, इस पर आप कैलकुलेशन करने मतलब आना है, आप फॉर्मूला देना फॉर्मूला कौन सा बन रहा है,
ये क्वेश्चन सेकंडों में आते हैं, पर जब आपको फॉर्मूला हमें बेसिक फॉर्मूला हमारे मैथ के हैं वो हमें याद होनी चाहिए, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये अधिकतर फॉर्मूला हमें याद होनी चाहिए और अधिकतर लोगों को हमें याद भी होंगे। तो आइए चलते हैं, करते हैं अप्लाई। इस पर करना क्या होगा देख लेते हैं। यहाँ पर ए, हाँ भाई, ये वाले मान और ये मान बराबर होने चाहिए। अगर मान बराबर नहीं है तो आपको गुणा भाग करके आपको बराबर कर लेने होंगे। यहाँ पर तो क्या हमारे बराबर हैं, तो ये ए इसको इस तरह लिख सकते हैं, हम स्क्वायर लिख सकते हैं राइट। अब यहाँ पर 2.61 का होल स्क्वायर राइट लिख सकते हैं, 0.78। अब देखो ये आप ऊपर सॉल्व कर दो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब 375 दूनी दो बार चलेगा दोस्तों, 375 दूनी कितनी 750, यहाँ दो आ गए। अब यहाँ आपको आपको एक फार्मूला देखने मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अधिकतर सभी को याद होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पर याद रखने तरीका एक बार जोड़ दो और एक बार उठा दो। अब देखो एक बार जोड़ दें और एक बार घटा दें। अब 3.39 प्लस 2.61 का 1 गुणा 2.39 कितना हो गया, हमारे यहाँ कितने को काट दिए से कितने को माइनस 2.61 बटे 0.78 और माइनस का 2। आंसर वहीं पर आ गया था, पर इसे पूरा सोल्व करना है हमें। अब क्या है देखो, अब इसे डायरेक्ट सोल्व लेंगे, यहीं पे सोल्व कर देंगे इसे 0.78। अब इसे घटाओ इसमें से 3.39 में से 2.61 को हम जब घटा रहे हैं तो किसने मिलेगा, घटा लीजिए, मैं आपको यहाँ घटा बता दे रहा हूँ। कितना 9 में से 1 गया 8, यहाँ कितने बचे हमारा 13 में 6 जाएगा ना, तो यहाँ से हाथ ले लेंगे तो 13 में से 6 गया कितने बचे हमारा 7, 0.78। अब 0.78 ये भी क्या 0.78 और 0.78, तो इससे ये वाला पूरा पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। अब ये आपका ऐड होगा तो कितना होगा हमारा 10 और 10 0.325 तो 0.6 मतलब 6 माइनस 2 ये वाला 6 में से 2 गया कितना 4, इसका राइट आंसर कितना होगा 4। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, और जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल 10 सब्सक्राइब जो करें। अब यहाँ कोई फॉर्मूला बन रहा होगा, देखते हैं फॉर्मूला कौन सा बन रहा है। ए, हाँ भाई, संख्या से हमें क्या पर पॉइंटों से दिक्कत हो रही है, पॉइंटों से क्या संख्या आगे पीछे हो रही है, ये 1.49 है, 14.49 है, पर देखने में संख्या सेम लग रही है, क्या हमारा है ये 1.49 है, ये 14.49 है, ये 0.51 है, 5.1 है, और यहाँ पर क्या हमारा नीचे सेम है। अब करना क्या हमें संख्याओं को सेम करना है, अगर 10 से भाग इसमें करें 10 से भाग इसमें करना है, 2 से भाग इसमें करें तो 2 से भाग इसमें, अगर 2 से गुणा इसमें करें 2 से गुणा इसमें, जब भी हम किसी संख्या अनुपात में गुणा करते हैं दोस्तों, जैसे 2:3 ले लेते हैं हम, अगर इसमें दोनों में हम 10 से गुणा करते हैं तो 20:30, इसके अनुपात पर कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, ना कि संख्या पर अंतर पड़े ना ही इसके अनुपात पर अंतर पड़े। तो करना क्या होगा, मैं 10 से इसमें गुणा कर देंगे और 10 से इसमें गुणा कर देंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा, जो 10 से हमने गुणा किया है उससे क्या हमारा जो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कितना हो जाएगा 14.9, ये तो पहले ऑलरेडी 14.9 हमारा, और इसमें भी क्या करेंगे हम 14.10 से, जब 10 में से किया तो 10 में से करेंगे 14.9 माइनस कितना होगा 5.1, और ये तो 5.1 पहले से ऑलरेडी है 1, और 10 गुणा 14.9 माइनस 5.1। अब देख लेते हैं, ये ए बन गया और ये बी बन गया, 14.9 का होल स्क्वायर और माइनस 5.1 का होल स्क्वायर बटे 10 गुणा 14.9 माइनस 5.1। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दूंगा, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले पीछे आपको फॉर्मूला बताया उसे हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो कितना होगा 14.9 प्लस 5.1, एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं, 14.9 और माइनस 5.1
अब 10 गुणा 14.9 और माइनस 5.1। अब इससे क्या होगा, ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। 14.9 5.1 जोड़ लेते हैं, कितना होगा 20, 20 बटे 10, 0 से 0 किया, कितना बचा हमारा 2। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कितना होगा हमारा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा फैलाएं। दोस्तों टोटल कंटेंट हमारे चैनल पर कवर कराया जाता है। दोस्तों अगर आप किसी भी सरकारी एग्जाम की कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों हिंदी से लेकर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमारे जो सब्जेक्ट आते हैं वो टोटल आपको कवर वीडियो के माध्यम से कवर कराए जा रहे हैं। दोस्तों तो जल्दी ना कीजिए, नीचे जो हमारा सब्सक्राइब वाला बटन है उसे दबा दीजिए और बेल आइकन भी इसे दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके टाइम टू टाइम। थैंक यू, धन्यवाद।